कैसे खुलाएंगे सर? ये बिरंची नारायण जो है ना, एक नंबर का सर ही है। वो आए थे शुरू शुरू में, हमको आज भी याद है, सब लोग बैठे हुए थे गांव के लोग, और हरि मंदिर का कसम इस तरह खाए थे, चापाकल खारा होगा तो चापाकल बनेगा, पानी घटेगा तो पानी होगा, बिजली होगा तो ये होगा, और अभी तक नहीं आया गाँव। वोट लेने के समय तोरा किया, गर्दा उड़ा दिया, लेकिन दोबारा मुलाकात नहीं हुआ। आज तक तो बिरंची नारायण कैसा है, एक पेड़ है तो एक ट्रैक्टर गाड़ी है, किसी ने नहीं देखा। आदिवासी की सरकार है, आदिवासी सरकार तो और छलनी मारता है। और हमारे यहाँ जो पानी का समस्या है, ये तो बहुत बड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं, आज 20 साल पुराना, फिर आपको लगता है 20 से 25 साल पुराना एक चापाकल है, ठीक है, और यहाँ से वहाँ तक कोई चापाकल है नहीं। यहाँ लोग जान पर जा रहे हैं, हमारा बोकारो पानी से जूझ रहा है, शर्मनाक बात है। चुल्लू भर पानी में लोग कहता ना डूब जाना चाहिए, वही इस सरकार को करना चाहिए। बोकारो में भाजपा नेता डॉक्टर प्रकाश इन दिनों पंचायत प्रवास यात्रा पर है। ये यात्रा बोकारो विधानसभा के सभी प्रखंड के गांव में होनी है। पहले चरण में 6 दिवसीय पंचायत प्रवास यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर प्रकाश गांव में ही रहकर अपने 6 दिन बिता रहे हैं। इस दौरान वो ग्रामीणों से मिल रहे हैं। जिस पंचायत में डॉक्टर प्रकाश रात को रुकते हैं, उसी पंचायत के गांव में फिर अगले सुबह से घूमते भी हैं, जिससे वो ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हो सके। जितना मुखिया बनता है सब पहले प्रलोभ, यहाँ जो पंचायत समिति में जितना भी मुखिया बनता है, सरपंच मान बनता है, इन लोग पहले जो है प्रलोभन मैंने देता है ना, थोड़ा सा डर रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं ना, अब नहीं डरेंगे, ठीक है, डर रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं, काम पर है। सब प्रलोभन देता है कि आपका पीएम हाउस पास करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन कोई कुछ पास नहीं कराता है। जिसका वृद्धा पेंशन नहीं बना है, उसका कुछ भी नहीं बना है, उसका अभी तक नहीं बना है, वो लोग बोलता है हमको अभी, ठीक है। और ये जो देखिए गाँव का जो 11,000 का जो तार है, आप दूसरा क्षेत्र में देखिएगा तो वहाँ पर जाली लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है, यहाँ पर जाली नहीं है। यहाँ पर जब से हम देख रहे हैं, बिजली जब से आया है, तब से एक भी बार ना पोल खूंटा चेंज हुआ है, ना तार चेंज हुआ है। घटना कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं, ठीक है। तालाब में पानी भरने के लिए वो सर बंद है, वो बंद है सर, कोई दूसरा सर जिम्मा लेता है रूम का, कमरा का, और अपना मतलब यूज करता है पर्सनली, वो यूज करता है पर्सनली, पूछ लीजिए पूरा गांव से। पूरा गांव जाके क्यों नहीं खुलवाता है? कैसे खुलाएंगे सर? ये बिरंची नारायण जो है ना, एक नंबर का सर ही है। वो आए थे शुरू शुरू में, हमको आज भी याद है, सब लोग बैठे हुए थे गांव के लोग, और हरि मंदिर का कसम इस तरह खाए थे, चापाकल खारा होगा तो चापाकल बनेगा, पानी घटेगा तो पानी होगा, बिजली होगा तो ये होगा, और अभी तक नहीं आया गांव, अभी तक गांव नहीं आया, एक भी बार नहीं। सब आता है पीएम, जो भी खड़ा होता है विधायक में, सांसद में, जो भी खड़ा होता है, पहले पहले बोलता है नमस्ते बहन, नमस्ते भाई, थोड़ा चुनता है, 5-10 हजार लेके आता है, थोड़ा बांट देता है, दही दे, थोड़ा सा अपना दही चूड़ा बांट देता है, अपना बस चला गया, काम नहीं होता है कुछ, कोई कुछ भी यहाँ। 15 सेकंड में करेंगे, पानी का तो हो गया, नहीं कॉलोनी आता है, जिसका घर टूटा हुआ है, सुनिए ना सर, जिसका घर टूटा हुआ है उसका कॉलोनी नहीं मिल रहा है, और जिसका घर है उसका बन रहा है, आप देख सकते हैं। कंप्लेन किए कभी? कभी काम कहाँ करेंगे, इसीलिए बाहर चल जा रहा सब, क्या करेगा, काम धंधा नहीं हो रहा तो क्या करेगा, बाहर जा रहा, जिसको मिल रहा है मिल रहा है, जिसको टूटा हुआ है उसको नहीं मिल रहा, इसीलिए बाहर चल जा रहा है, इसीलिए आपका वोट भी कम हो रहा है, और क्या बोले। मुखिया जी से बात किए हैं, क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग यदि बात करने जानते तो क्यों जाते बाहर सब? मुखिया तो वोट मांगने आया होगा ना भाई? आया होगा, नहीं आप भी आए थे, बोले थे कि देगा, वो बोला था देख के गया, बोले देंगे देंगे, नहीं दिया, और क्या करेंगे बोलिए। जिसका घर में पानी चू रहा है उसको नहीं देख रहा है, जिसका घर में सब है उसको दे रहा है। रोजाना करीब 5 गांवों का दौरा डॉक्टर प्रकाश कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण भी उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण ढोल नगाड़े फूल माला के साथ डॉक्टर प्रकाश का अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि यह शायद पहली बार है कि जब कोई चुनाव भी नहीं है और नेताजी गाँव गाँव घूम रहे हैं, ग्रामीणों के साथ अपना पूरा समय बिता रहे हैं। लोग डॉक्टर प्रकाश के इस पहल की खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर प्रकाश के पास पहुंचकर ग्रामीण अपने गांव की समस्या भी बता रहे हैं।
इस दौरान पानी, बिजली, सड़क की समस्या कई गाँव में देखी जा रही है। कुछ गाँव में तो पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। साथ ही साथ मौजूदा सरकार और विधायक से भी ग्रामीण खासा नाराज दिख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं वो वापस गांव की ओर अपना रुख चुनाव के समय ही करते हैं। वोट लेने के समय दोहरा किया, गर्दा उड़ा दिया, लेकिन दोबारा मुलाकात नहीं हुआ। आज तक तो बिरिंची नारायण कैसा है, एक पेड़ है न एक ट्रैक्टर गाड़ी है, किसी ने नहीं देखा। उनका कार्यकर्ता आया था लेकिन वो यहाँ आए नहीं है। हम लोग को छोड़ दिया। हम लोग आदिवासी हैं, सीधे सपटा आदमी हैं, किसी से बोल नहीं पाते हैं। आदिवासी की सरकार है, आदिवासी सरकार तो और छल निमरता है। हमारे गांव में देखिए बिजली का भी देखिए आँख मिचौली हो रहा है आज इस गर्मी में। करीब हम लोग को करीब 3-4 घंटा बिजली मिल रहा है। पानी का समस्या तो बहुत, मैंने इतना पानी का समस्या है ना मत पूछिए। एक डीप बोरिंग में अभी पूरा गांव पानी पी रहा है, मैंने 250-300 घर एक डीप बोरिंग में पी रहा है पानी। वही यदि बंद हो जाएगा तो पानी के लिए हम लोग को मैंने कहाँ जाना होगा, खरीद के पीना पड़ेगा पानी, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए खरीदना पड़ेगा पानी। कब से पानी का दिक्कत, कब से पानी का दिक्कत है हम लोग को? करीब करीब इस साल जनवरी से शुरू है। अच्छा देखिए, स्कूल भवन जर्जर हो गया है हमारा, स्कूल देखिए टूटा हुआ है। अच्छा स्कूल में शिक्षक का कमी है हम लोग का। ये सब समस्या को लेकर मुखिया के पास, एमएलए के पास कोई मैंने कोई कुछ नहीं किए। हर समस्या हम लोग जो मंत्री हुए, जो नेता हुए, सबको सुनाए, जितना आए नेता यहाँ सबको समस्या हम लोग उनके सामने रखे, लेकिन समाधान कोई नहीं किया। पंचायत प्रवास यात्रा के बारे में बात करते हुए डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि गांव आकर ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होने का प्रयास कर रहा हूं। ग्रामीणों की समस्या को समझना और उनसे समाधान की ओर ले जाना पहली प्राथमिकता है। जिस प्रकार भाजपा राम राज्य की स्थापना के संकल्प को लेकर चल रही है, उसी संकल्प के तहत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। शहर में लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद है, लेकिन गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते हैं। इस व्यवस्था को बंद किए बिना राम राज्य की परिकल्पना सार्थक नहीं किया जा सकता। पंचायत प्रवास सह यात्रा कार्यक्रम के तहत हम अनेकों पंचायत में जा रहे हैं, वहां के गांव में, वहां के टोलों में, वहां के मोहल्लों में। हम ये देख रहे हैं कि सरकार के 3.5 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं, तो हेमंत सोरेन की सरकार इन 3.5 वर्षों में क्या क्या काम किए, धरातल पर क्या काम हुआ। चुनाव में तो बहुत सारा वो वादा किए थे, बड़े बड़े वादा किए थे, रोज 5 लाख रोजगार देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम 3 रूम का मकान देंगे आप लोगों को, हम जो है सो पढ़ने के लिए नया नया विद्यालय खोलेंगे, पानी के लिए चापाकल देंगे, हर एक टोला में बोरिंग देंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, बिजली 24 घंटा होगा। ये 5.5 मोर्चों पर ये हेमंत सरकार विफल है। और जो बेरोजगारों को जो भत्ता देने की बात उन्होंने कहा था कि 5,000-7,000 रुपया हम देंगे, वो भी अभी तक नहीं दे रहे हैं। अब समय दूर नहीं है कि आने वाले समय में जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। इस पंचायत यात्रा के दरमियान कुछ माहौल ऐसा ही हमें दिखा, यहाँ तो पानी ही नहीं है, जहाँ लोग चांद पर जा रहे हैं हमारा बोकारो पानी से जूझ रहा है। शर्मनाक बात है, चुल्लू भर पानी में लोग कहता ना डूब जाना चाहिए, वही इस सरकार को करना चाहिए। जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से करियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्यरत है और इन 15 सालों का सफर आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही सफलतापूर्वक चल पड़ा है, तो इसके लिए तमाम विद्यार्थी और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2023 सेशन में भी जनरेशन ने शिक्षा समाधान के कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, बीएससी जैसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें करियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को खत्म होने के बाद फ्री करियर काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करके सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।